सर नमस्कार, हमारे साथ हैं सुभाष सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री राहत कोष जब पहले से था तो प्रधानमंत्री मोदी को पीएम केयर फंड बनाने की क्या जरूरत पड़ी, इस पर विपक्ष बड़ा सवाल करता रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों जरूरत पड़ी इसे अलग से बनाने की? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और सही में ये बात बहुत लोगों के मन में होगी कि अगर पहले से हमारे पास प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड था तो हमने प्रधानमंत्री केयर फंड का क्यों निर्माण किया। मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड जो था 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके पीछे जो मंशा थी वो किसी भी एपिडेमिक या पैनाडेमिक मतलब की महामारी के रोकथाम के लिए उस फंड का हम लोग उपयोग नहीं करते थे। उस फंड का उपयोग हम लोग करते थे अगर हमारे राष्ट्र में किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर आया है, चाहे वो अर्थक्वेक हो या कहीं पर जैसे आपको याद होगा सुनामी आई थी, या कहीं पर फ्लड आ जाए, या कहीं पर रेलवे एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पर भारी मात्रा में ऐसा नुकसान हो जिसका हमें उम्मीद नहीं रहता है, उसके लिए हम लोगों ने पीएम नेशनल रिलीफ फंड का निर्माण कराया 1948 में जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। और इसके पीछे का उद्देश्य था जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे तो जितना सारा डिमोलिशन हुआ था उस डिमोलिशन को कंट्रोल करने के लिए। अब पीएम केयर फंड आपको पता होना चाहिए, ये 2020 मार्च में इसका गठन किया गया और इसके गठन के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य था क्योंकि आज तक कभी भी कोरोना वायरस के तरह का कोई भी महामारी राष्ट्र में नहीं आया था या दुनिया में नहीं आया था जिससे पूरी राष्ट्र नहीं अपितु पूरी दुनिया परेशान हो। तो उसके रोकथाम के लिए हमने पीएम केयर फंड का निर्माण प्रधानमंत्री जी जिसके चेयरपर्सन है और जिसके मेंबर्स होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं, साथ ही और भी कई सारे लोग हैं जो देश में उच्च शीर्ष पर हैं, विज्ञान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें मेंबर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके मेंबर हैं लेकिन मुख्य तौर पर चार लोग इसके मेंबर हैं जिसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री जी हैं। और मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि ये अपोजिशन वाले, इन्हें एक बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है, और अपोजिशन का जब मैं नाम ले रहा हूं तो उसमें कांग्रेस का नाम लेना हमारा सबसे पहले कर्तव्य इसलिए बन जाता है क्योंकि कांग्रेस का अभी क्या स्थिति हो गया है कि इन्हें ऐसे महामारी में राष्ट्र के लोगों का रक्षा और भला हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से यहां पर भी लोगों के माइंड को माइंडसेट को हम इस पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर डेविएट करें। आप एक बात बताओ, जब कोई भी फंड जिसका ऑलरेडी यूज नेचुरल डिजास्टर के लिए होता है, प्राकृतिक आपदा के लिए होता है, तो कितना सही और कितने दूरदृष्टि वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं जो भविष्य को सोचते हुए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपके राष्ट्र में या दुनिया में कोरोना जैसा महामारी आया तो आने वाले समय में नेचुरल डिजास्टर नहीं आएगा, उस समय क्या फिर से हम लोग फंड इकट्ठा करना शुरू करेंगे? वो फंड जहां पर है सुरक्षित है। कोविड एक ऐसी महामारी है जहां पर लोग अपने मन से जिसके पास कुछ नहीं है वो भी दान देने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ा इसका उद्देश्य, आप 10 रुपए का भी दान इस फंड में कर सकते हो और उससे क्या है कि राष्ट्र आज जब कोविड के लिए लड़ रहा है, इन्होंने इस पर क्यों नहीं बात उठाया जब प्रधानमंत्री जी ने 25 मार्च को पूरे राष्ट्र में 21 दिन का लॉकडाउन दिया तो 36 आवर्स के अंदर 1,70,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए कि किसी भी गरीब को किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। कम से कम इन्हें आकर उसका भी तो प्रेज करना चाहिए। ये सोनिया गांधी वो है जो बोलती है कि लॉकडाउन करना सही था लेकिन प्लान से नहीं सही करना था। तो अरे अगर प्लान से नहीं सही हुआ तो आप ही बता देती कि कैसे प्लांड वे में सही होता है। और खास करके आप इटली की रहने वाली है, इटली में जहां सबसे ज्यादा लोग इससे परेशान है, आप अपने मायके में बता देती वहां के लोग बच जाते इस डिजीज से। आप लोग किसी न किसी भी तरह से लोगों को बरगलाना चाहते और चाहते हैं राष्ट्र के लोगों के साथ खिलवाड़ करें, राष्ट्र के अस्मिता और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें। अगर पूरा राष्ट्र एक व्यक्ति पर विश्वास करता है तो राष्ट्र के उन व्यक्तियों के विश्वास का हम हनन करें। कोविड-19 से लड़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का ये है कि अगर हमारे राष्ट्र की जनता रहेगी तो कल ना परसों हम लोग अपना इकोनॉमिक बूस्टर के दोज को मजबूत कर लेंगे, लेकिन हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है कि हम राष्ट्र के जनता को बचाएं। और उसके लिए अभी ये समय नहीं है, अभी राजनीति का समय नहीं है,
अभी लोगों को ये नहीं डिस्कस करना चाहिए कि क्या क्यों हो रहा है। राष्ट्र की जनता जिस पर भरोसा कर रही है, अगर उन्होंने एक पार्टिकुलर डिजीज से बचाने के लिए किसी भी ट्रस्ट का गठन किया या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, हमारे राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र सेवक के रूप में आगे बढ़कर हर एक निर्णय को ले रहे हैं, हम लोग उनको फॉलो करते हुए पीछे से उनका सपोर्ट करें, तभी हम लोग जीत पाएंगे और इस महामारी से लड़ पाएंगे। ये राजनीति करने का समय नहीं है जी। बिल्कुल, आपका जो कहने का मतलब है कि इसमें वित्त मंत्री, डिफेंस मंत्री और गृह मंत्री भी मेंबर हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ, और ज्यादा लोकतांत्रिक रूप से है क्योंकि इसमें स्वास्थ्य से जुड़े लोग, विज्ञान से जुड़े लोग और समाज से जुड़े लोग भी इसमें मेंबर है, तो ये ज्यादा लोकतांत्रिक है, इसलिए भी इस पर भरोसा किया जा सकता है। और साथ ही अगर आपको जैसे कि आपने बताया उसमें मैं थोड़ा और जोड़ना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री राहत कोष था वो 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष भी मेंबर थे, तो यहाँ पर भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये मेंबर है तो ये खामी की तरह देखा जा रहा है। लेकिन 1985 में जब राजीव गांधी ने इसको चेंज किया था तो पीएमओ के अधीन कर दिया था, तो सिर्फ और सिर्फ पीएमओ का इसमें हस्तक्षेप था, यानी कि पीएमओ ही इस पर कोई भी अगर कहीं भी यूज करना वही कर सकता था। लेकिन जो पीएम केयर फंड है इसमें और ज्यादा लोकतांत्रिक रूप से चीजें हैं, यहाँ पर गृह मंत्री हैं और डिफेंस मंत्री, वित्त मंत्री, ये तीनों हैं मेंबर, और साथ साथ जो देश के और भी लोग हैं वो हैं। तो इसके साथ साथ सर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे, सोनिया गांधी ने कहा कि जो भी ये फंड है इसको प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर देना चाहिए, सर इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं तो हैरान और परेशान हूं कि पता नहीं सोनिया गांधी जी किस सोच से और किस मनोवृत्ति से ऐसा बात लोगों के सामने रख रही है और एक आग लगाने का काम कर रही है। क्या जरूरत है? अगर COVID-19 से लड़ने के लिए हमारे राष्ट्र का अभी एक मूलभूत उद्देश्य है कि हम लोग कोरोना को पराजित करें, उसके लिए पीएम केयर फंड का गठन हुआ। और साथ साथ पीएम केयर फंड के बारे में मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि पीएम केयर फंड का गठन सिर्फ इसलिए हुआ है कि कोरोना के बाद अगर आने वाले भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी पैनाडेमिक आए तो उसके लिए एक राशि सुरक्षित रहना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आज कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है, ऐसा कंडीशन हो चुका है कि लोग एक दूसरे को पैसे से ज्यादा जिंदगी का महत्व है, तब आप ऐसी बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है? आप उदाहरण क्या देते हैं? आप बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? अगर एक सप्ताह के अंदर 6500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में जमा हुए तो वो भी पीएम केयर फंड का जो प्रवक्ता है, जो स्पोक्स पर्सन है, वो डे टू डे आकर इस बात को अपडेट कर रहा है। और शायद सोनिया गांधी जी इतनी पढ़ी लिखी है कि उन्हें पता होना चाहिए ये सब बात, और वो देख भी रही होंगी, हमें पूरा विश्वास है। फिर हमें समझ में नहीं आता कि अगर ये पैसा को ट्रांसफर करके हम लोग पीएम नेशनल रिलीफ फंड में डालें तो उससे मिल क्या रहा है हमें? इसका तो मतलब यही है ना कि आपको नाक छूना है, आप ऐसे छूइए या सामने से छूइए, इसका तो कोई तात्पर्य नहीं बनता है, इसका तो कोई उद्देश्य नहीं बनता है। उद्देश्य एक होना चाहिए, अभी राष्ट्र का एक ही उद्देश्य है कि हम कोरोना जैसे महामारी से राष्ट्र को बचा लें। अब राष्ट्र को बचाने के लिए सरकार जो भी निर्णय ले रही है उसका हमें स्वागत करना चाहिए। सोनिया गांधी जी से मैं पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि क्या मिल जाएगा अगर ठीक है आपका बात मानकर पीएम केयर फंड से जो भी पैसे मिले हैं पीएम केयर फंड में हमारे राष्ट्र के जनता ने दिया है, उस पैसा को अगर हम पीएम नेशनल रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दें उसे हमें क्या क्या मिल जाएगा? क्या कोरोना 2 दिन के अंदर भाग जाएगा? या हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों को एक एक व्यवस्था ऐसा कराएं कि इस महामारी के चपेट में आने से हम राष्ट्र के लोगों को बचाएं? और पीएम नेशनल रिलीफ फंड के बारे में बार बार मैं एक बात बताना चाहता हूं, शायद अगर सोनिया गांधी जी को नहीं पता हो, और इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी हमें ताज्जुब होता है कि ये लोग ऐसे लोगों को कैसे हमारे राष्ट्र के लोग इतने दिन तक बर्दाश्त करते रहे। इन लोगों को एक पेपर एंड पेन पर, चाहे वो पप्पू पांडा हो इनके, राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी हो, इनको पेपर एंड पेन पर जो भी लिख कर दे देते हैं इनके अगल बगल रहने वाले लोग, ये लोग उसको लेकर आकर सामने पढ़ देते हैं। उसके अलावा अगर आप इनसे पूछेंगे तो इन्हें कोई भी जानकारी नहीं होती है। अगर आप इनसे, मैं आपसे मतलब सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर 5 दिन के बाद आप सोनिया गांधी जी से PMNRF और पीएम केयर फंड के बारे में बोलिए कि 2-2 मिनट बात कर ले, इन लोगों के पास इतना गट्स और नॉलेज नहीं है कि ये लोग 2-2 मिनट किसी भी मीडिया वाले से मुखातिब हो पाएंगे।
लेकिन इनके सामने बस एक ही बात है कि कैसा भी परेशानी हो, राष्ट्र का भला हो या ना हो, अपने राजनीति को चमकाना है। और संभवतः सोनिया गांधी ने अपने राजनीति को चमकाने के लिए ही ऐसा प्रश्न मीडिया के माध्यम से जनता के सामने लाया है। सर हाँ, जिस समय पूरा देश संकट से जूझ रहा है, पूरी दुनिया वहां पर इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है इस समय भी, और एक राजनीति इनके अंदर चल रही है कि इस समय भी किसी तरह से लोगों को बरगलाकर, झूठी अफवाह फैलाकर कांग्रेस की तरफ किया जाए, और एक तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को एकजुट कर रहे हैं वो भी इनको बहुत बुरा लग रहा है। इसी के साथ सर दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी मैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया भारत की तरफ मदद की निगाह से देख रहा है, 30 देशों ने यहाँ से हाइड्रोक्सीक्लोरो क्वाइन मंगाने की मांग की है, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस निर्यात को खोला उसके बाद से ही लोगों ने एक अफवाह मचा दी, सोशल मीडिया पर पूरी फैला दी कि डरपोक पीएम, प्रधानमंत्री जी को डरपोक मोदी बताया गया और कहा गया कि डरने के बाद इन्होंने ये फैसला लिया है। जबकि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीसी की उससे पहले ही ऑर्डर प्लेस हो चुका था, और यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया पर इस तरीके से बात चल रही है तो ये एक बहुत ये खतरनाक चीज है कि उस समय भी ये राजनीति कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ना कि एकजुट होकर लड़ने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ कि आज हनुमान जयंती पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की तुलना हनुमान जी से भी कर दी है, संजीवनी के रूप में उस दवा को देखा है, तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे उस कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, अभी मैं एक बात बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, जो सोशल मीडिया पर कुछ कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जो अपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिशा निर्देश का पालन करते हुए और ऐसे गलत अफवाहों को राष्ट्र के जनता के सामने परोसने का कोशिश कर रहे हैं, एक बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसे नोट करना चाहिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का जो भी आदान या प्रदान है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मैं हिंदी में बता रहा हूँ, जो भी आदान या प्रदान है, चाहे जो भी बैन लिफ्टिंग हुआ भारत से अमेरिका भेजा जाए या ब्राजील भेजा जाए, जैसे कि ब्राजील से आज ही बताया गया कि मोदी जी हनुमान के रूप में है, और जैसे लक्ष्मण जी को सबरी का बैर खाने के बाद, जिसको हम लोग संजीवन बूटी भी बोलते हैं, वैद्य सुषेण ने जो उनको दिया था उसके बाद, तो सोचिए कि कितना बड़ा उपलब्धि अपने राष्ट्र के लिए। वही लोग हैं जो लोग बताते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करने वाले लोग हैं, हमारा राष्ट्र ऐसा है जिस राष्ट्र के लिए मानवता पहले आता है। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूँ ट्रंप के बारे में कि अमेरिका से ये बैन क्यों लिफ्ट किया गया। एक बात मैं बताना चाहूंगा, FDA, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA, उसके आधार पर सिर्फ भारत ही नहीं अपितु दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र हैं जो यहाँ से अपने फूड का और ड्रग का अगर सप्लाई करना चाहते हैं तो FDA का रीजन देकर, कारण देकर इन लोगों को रोक दिया जाता है, बोला जाता है कि नहीं नहीं आपके इन सब प्रोडक्ट्स को हम अपने यहाँ नहीं लेंगे। सेकेंडरी थिंग, जो सेकेंड सामने पॉइंट रखा गया, भारतीय सरकार ने, भारत का जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने अमेरिका के ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने सेकेंड प्रस्ताव रखा, भारत की जो भी दवा कंपनियां हैं उनके लिए अमेरिका के बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में रास्ते खोल दिए जाएं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भारत ने क्या बोला अमेरिका से, हम अपने राष्ट्र में मेरा जो जरूरत है अपने डोमेस्टिक, मतलब अपने घरेलू स्टॉक को देखते हुए, अगर हमारे पास घरेलू स्टॉक से ज्यादा कोई सामान है तो ठीक है, निस्वार्थ भाव से हम उसको आपके यहाँ सप्लाई करेंगे, और साथ साथ अगर हम विदेश नीति और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, देखिए आज स्थिति पूरे दुनिया में भयावह है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि अमेरिका राष्ट्र की, पूरे राष्ट्र ही नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, चाहे आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख लें या आप व्यवसाय के दृष्टिकोण से देख लें। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि पोस्ट COVID-19, मतलब कि जब इस महामारी से हम बाहर आ जाएंगे उसके बाद भी तो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चाहिए, और कहां गलती है हमें तो नहीं समझ में आता है कि अगर आपको किसी चीज का जरूरत है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में खाना है और आपका पड़ोसी भूखा हुआ है, आप खाना खाने के बाद अपने पड़ोसी को अगर दो रोटी दे दें तो हमें तो नहीं दिखता है कि इसमें कहीं से भी आपकी गलती है, भारत वही कर रहा है। भारत ने बोला कि हम अपने डोमेस्टिक स्टॉक को देखने के बाद,
मतलब मेरे पास अपने 130 करोड़ भारतीयों के सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, वो किसी सीमित संसाधन का आदान प्रदान नहीं कर रहा है। जब मेरे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, उसके बाद अगर जरूरत हुआ तो मानवता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, हम इस प्रोडक्ट का सप्लाई करेंगे, चाहे वो यूएस हो या ब्राजील हो। अब हमें नहीं दिखता है ये पार्शियल बैन है, वी कैन नॉट से कि ये कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ बैन है। अब ऐसे पार्शियल बैन को, जब हमारा राष्ट्र आज से नहीं, ये ऋषि मुनियों का, ऋषि महर्षियों का राष्ट्र है, और शुरू से ही हमने मानवता को अपने धर्म में सबसे पहला कर्तव्य और धर्म माना है, और मानवता के आधार पर अगर मेरे पास कोई भी संसाधन पर्याप्त रूप से मौजूद है, उसके बाद अगर किसी को हम सप्लाई कर रहे हैं, उसमें क्या परेशानी होनी चाहिए। और दूसरा बात, हमारा राष्ट्र प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना आगे बढ़ रहा है कि सोचिए कि रामायण के कालखंड में अब, और इस बात को इतना समझने का जरूरत है, ऐसे लोग का विरोध करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये वो लोग हैं जो राम जी को और रामेश्वरम में जो राम सेतु है उसको काल्पनिक बताते थे, और आज ब्राजील जो फॉरेन राष्ट्र है, ब्राजील रामायण का उपलब्धि के बारे में बता रहा है, राम और लक्ष्मण का चर्चा कर रहा है। तो ये समझ रहे हैं इस बात को कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट भारत के जनता पर पड़ेगा, इस राष्ट्र के जनता पर पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ये सिर्फ उस ट्रेड का जो भी व्यवसाय है, व्यवसायिक विरोध नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये आने वाले समय का राजनीति देख रहे हैं। लेकिन फिर मैं बोलना चाहूंगा अपोजिशन के लोगों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरपोक नहीं है, और अगर वो डरपोक होते तो दो दो बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते। मनमोहन सिंह के सरकार में उनके गृह मंत्री और विदेश मंत्री आकर बोलते थे कि पाकिस्तान से भारत परेशान है, लेकिन पहला प्रधानमंत्री हुआ है आजादी के बाद जिससे पूरा पाकिस्तान और पूरे वैसे लोग जो गलती करते हैं वो लोग परेशान है, फिर भी प्रधानमंत्री को जरूरत पड़ेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर इस राष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री को इतना मानती है, इस राष्ट्र के जनता को जिस दिन ऐसा लग गया कि कोई किसी भी तरह से प्रधानमंत्री का निरादर कर रहा है, अनादर कर रहा है, उस दिन प्रधानमंत्री का ढाल बन के हम लोग इस राष्ट्र के जनता के रूप में सामने आएंगे, और लोगों को, चाहे वो राष्ट्र में राष्ट्र के विरोधी ताकतें हों या विदेश में राष्ट्र विरोधी ताकतें बैठी हुई हों, उन्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। और इस बात को आप बोलने से पहले समझिए कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक पार्टी विशेष का नहीं होता है, वो पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप प्रधानमंत्री को डरपोक बता रहे हैं, तो आप सिर्फ प्रधानमंत्री को डरपोक नहीं बता रहे हैं, आप इनडायरेक्ट वे में भारत को डरपोक राष्ट्र का संज्ञा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही कांग्रेस है जो महाराष्ट्र में एक आतंकवादी को आतंकवादी कहने पर उसको जेल में डाल दिया जाता है, एक डॉक्टर को। ये वही कांग्रेस है जो हर मुद्दे पर लोगों को भटकाने में लगी हुई है, अफवाह मचाने में लगी हुई है। अगर ये पाकिस्तान को हम दवा प्रोवाइड कराते तो ये खुशी जाहिर करते, मणिशंकर अय्यर हो या जो तमाम इनके नेता है, उस दिन ये खुशी के गीत गाते, और ये लगातार अफवाह फैला रहे हैं। उस समय में जहां पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन जमात जिससे पूरा देश परेशान है, पूरे देश की एकदम चैन की सांसें जो ले रहा था देश, वो पूरा हराम करके रखा है, और कोरोना वायरस के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 9 वीक में 2500 मामले सामने आए थे, और 6 दिन में मामले पहुंच गए हैं 5000। तो ये 2500 मामले सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में बढ़े हैं, और पूरा पूरा जमात का हाथ है। लेकिन कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे हुई है, कोई सवाल जमातियों से नहीं पूछा जा रहा है, इवन उनको डिफेंड किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि राजस्थान में कांग्रेस के सीएम बैठे हुए अशोक गहलोत, उन्होंने क्या बोला कि वहां पर जो कोरोना मरीजों की संख्या है, उसमें से तबलीगी जमात का नाम हटा दिया जाए। ये लोग सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं, ये वो लोग हैं कि ये लोग जबरदस्ती आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई भी नॉन ऑर्गेनाइज संगठन है या नॉन गवर्नमेंट संगठन है जो कि सबसे ज्यादा इस पैनेडेमिक में राष्ट्र का मदद कर रहा है, चाहे वो लोगों को दवा से लेकर खाने का व्यवस्था किया जाए, कम से कम डेली 1 से 1.5 लाख आरएसएस के कार्यकर्ता 1 से 1.5 लाख लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, इनके लिए वो भगवा आतंकवाद हो जाते हैं, इनके लिए वो लोग राष्ट्र को तोड़ने वाले हो जाते हैं।
लेकिन इनके लिए ऐसे लोग जो रोडों पर बाहर निकल के पता नहीं तरह तरह के एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको शायद पता होगा आज ही कुछ लोग तबलीगी जमात के क्वारंटाइन किए गए हैं द्वारका के सेक्टर 16 बी में, वहां से ऐसा रिपोर्ट आया। मतलब ये सोचने में कितना आश्चर्य होता है कि वो लोग शौचालय कर और पुलिस पर फेंक रहे हैं, ऐसे लोगों को ये लोग बचाव करते हैं। राजस्थान के अशोक गहलोत बोलते हैं कि इनका नाम हटा दिया जाए, क्या होगा इससे? तो राष्ट्र के जनता के मन में एक दुराभास का भाव प्रकट होगा। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कैसे राजनीति करना चाहते हैं और कैसा सत्ता आप लोग चलाना चाहते हैं। गलत को गलत और सही को सही अगर हम नहीं बोल सके तो फिर हमें राजनीति करने का या हमें राष्ट्र के सामने आने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप मालेगांव विस्फोट में सिर्फ हिंदुओं को आतंकवाद का तमगा पहनाने के लिए बिना किसी जांच के लोगों को वहां पर जाकर जबरदस्ती जेलों के अंदर ठूस देते हैं और उन पर तरह तरह का यातना करवाते हैं सिर्फ इसलिए कि देश के नजर में हिंदू बदनाम हो जाए, दुनिया के नजर में हिंदू बदनाम हो जाए। लेकिन आज कोई गलत कर रहा है, और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, शोएब जमई जो कि इस्लामिक मुंबई में हमला हुआ होटल में, उन्होंने उस पर किताब ही लिख दी थी और उसके बाद कसाब जब पकड़ा गया सामने आई चीजें, उसके बाद सारी चीजें सामने आ गई, लेकिन उन्होंने किताब भी लिख दी थी और उसके हाथ में कलावा टीका लगा के उसको भेजा गया था। और अब जब सामने आ गई है तो क्या दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई हुई? कोई उनसे सवाल तक नहीं कर रहा है कि आपने हिंदू को बदनाम करने की कोशिश की थी, आरएसएस की साजिश तकरार कर दिया था, पूरी बुक उन्होंने लॉन्च कर दी। मतलब इनकी सत्ता है तो ये कुछ भी करेंगे, आज ये सवाल खड़ा कर रहे हैं जब सब कुछ सही चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपसे बताना चाहूंगा, जब आपने मुंबई ब्लास्ट का नाम लिया तो उस समय मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे राकेश मारिया जी, और राकेश मारिया जी ने क्लियर बोला था कि गृह मंत्रालय, क्योंकि उस समय यूपीए की सरकार थी, आज भी वो दिन जब जेहन में आता है तो पूरा मन भयावह और भयभीत हो जाता है, 26/11/2008 को राष्ट्र का कोई भी नागरिक नहीं भूल सकता है, और उसको हिंदू आतंकवाद का संज्ञा देने के लिए सोचिए कि ये लोग कितने बड़े जहर हैं, ये लोग विषैले नाक से भी खतरनाक हैं, कि ये लोग एक पाकिस्तानी कसाब जो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, इनके अकाओं के द्वारा भारत में आकर भारत के हजारों निर्दोषों का जान लेता है, उसके नेतृत्व में जो 10 लोग हैं, और उसको टीका करके इन्हें उससे परेशानी नहीं थी कि एक अतिताई एक दुश्मन जो दूसरे जगह से आकर और भारत को तबाह कर रहा है, इन्हें परेशानी इससे थी कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हिंदू को बदनाम कर दिया जाए। अब सोचिए कि कितने घृणित लोग हैं। अरे हम लोग तो वैसे लोग हैं कि हम लोग अगर कसाब को फांसी दिलाने का मांग करते हैं तो अब्दुल कलाम साहब भी मुसलमान थे, कलाम का हम लोग आरती उतारने वाले भी लोग हैं, इन लोगों को कौन समझाए इस बात को? और देखिए उसी का नतीजा है कि राष्ट्र की जनता इस बात को समझ चुकी है। अब ये लोग जो कर रहे हैं, जो बचा खुचा थोड़े से जो लोग हैं, वो लोग भी आज नकल, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली चुनाव जो हुआ था, कांग्रेस किस तरह से अपना जनाधार खो रही है, ये सामने समझ में आ गया। और आने वाले समय में जो भी लोग हैं, जो भी 2-4 लोग कांग्रेस का नाम लेने वाले हैं, वो लोग भी खत्म हो जाएंगे, और सही में वो दिन दूर नहीं है जब भारत कांग्रेस विलुप्त भारत बन जाएगा। ऐसा राजनीति पता नहीं कहां से ये लोग लेकर आते हैं। आप सोचिए कि पूरे राष्ट्र में, मतलब जब 50% 130 करोड़ के राष्ट्र में 50% एक पार्टिकुलर कौम या समुदाय से आए हुए लोग, मैं पूरे मुसलमान को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि मुसलमान में ऐसे भी लोग हैं जो आकर सामने से बचाव कर रहे हैं, जो आकर सामने से इन विरोधियों को बाहर करने का कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग, इनसे खतरनाक तो ऐसे लोग हैं ना जो राजस्थान में सत्ता पर बैठे हुए हैं, जिनको महाराणा प्रताप के जयंती से परेशानी होती है, उस समय इनके लिए सेकुलरिज्म पर खतरा आ जाता है। लेकिन अगर तबलीगी जमात का लोग सामने बैठकर गलती कर रहा है, अगर पुलिस पर पथराव कर रहा है, अगर वहां पर नर्सेस जा रही है, आपको जयपुर का रामगंज मोहल्ला याद होगा, वहां पर नर्सेस गई थी, उनके साथ क्या एक्टिविटी हुआ था? नहीं, आप गए हैं कोरोना का जांच करने और आपको बताया जाता है कि आप पता नहीं कौन सा धर्म गुरु इन्हें सिखा रहा है कि आप एनआरसी और सीए करने यहां पर आए हैं, आप नेशनल रजिस्टर कमीशन के अंतर्गत यहां पर आए हैं, ऐसे पैनडेमिक सिचुएशन। अब पता नहीं इस बात पे गौर करना चाहिए कि ये ऐसे ही जगह पर क्यों हो रहा है जहां पे नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, ऐसे किसी भी जगह पर ये मुद्दा नहीं आया जहां पर बीजेपी या उसके अलायंस के रूलिंग स्टेट्स हो।
ये ऐसे ही जगह पर हो रहा है जहाँ पे नन बीजेपी रूलिंग स्टेट है। इसी के साथ विदा लेना चाहूंगी, और सवाल तो बहुत है, 26/11 का मामला हो जहां पर इन्होंने उसे हिंदू आतंकवाद देने की कोशिश की, साथ ही इन्होंने बुक निकाल दिया राम सेतु पर, इन्होंने राम को काल्पनिक माना, राम जो अयोध्या मामला था उसमें भी इन्होंने काल्पनिक, यहां तक कि अब जब रामायण का प्रसारण हो रहा है उस पर भी इन्होंने से पहले बोला कि राजीव गांधी ने ही रामानंद सागर से बोलकर इसे बनवाया था, उसके बाद अब इसको बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट में ये जा रहे हैं। तो ये जो याचिका इनके तरफ से दायर की जा रही है लगातार ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर अटैक है, साथ ही ये जमात पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे और फिर मुलाकात होगी सर आपसे और तमाम सवालों के साथ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।